हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय फार्म मशीनरी एंड पावर क्लासेस, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच और गियर बॉक्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 6 के फर्स्ट लेक्चर नंबर 6 के पार्ट फर्स्ट में ट्रांसमिशन सिस्टम का क्लच और गियर बॉक्स के बारे में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करना है डिफरेंशियल, ठीक है, फाइनल ड्राइव, पीटीओ शाफ्ट एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं डिफरेंशियल पे। डिफरेंशियल होता क्या है? डिफरेंशियल यूनिट इज अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ गियर्स टू परमिट वन ऑफ द रियर व्हील ऑफ द ट्रैक्टर टू रोटेट स्लोअर और फास्टर देन द अदर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल वो चीज़ है जो ट्रैक्टर के रियल व्हील को, मतलब ट्रैक्टर के एक रियल व्हील को, ठीक है, ट्रैक्टर के दो रियल व्हील हैं, ठीक है, तो ट्रैक्टर के एक रियल व्हील को कम या ज़्यादा स्पीड में रोटेट करने के लिए परमिशन देता है। ठीक है, मतलब कि डिफरेंशियल के माध्यम से ही जो हमारा ट्रैक्टर का रियल व्हील है, जिसमें से एक व्हील ज़्यादा तेज घूम सकता है या तो कम तेज घूम सकता है, किसके कंपेयर टू दूसरे, इसके कंपेयर में या तो इसके कंपेयर में एक व्हील ज़्यादा तेज घूमेगा या तो कम तेज घूमेगा। ठीक है, कब ऐसी ज़रूरत पड़ती है? वाइल टर्निंग द ट्रैक्टर ऑन अ कर्व पाथ। ठीक है, जब ये हमारा कर्व पाथ करने का मतलब कि जब हमें ट्रैक्टर को टर्न करना है, ऐसे हमारा रास्ता है। ठीक है, ट्रैक्टर यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है, अब ऐसे आया तो यहाँ पे टर्न करना, इस कंडीशन में हमारे दो व्हील है ये। ठीक है, तो क्या होगा, इस व्हील को ज़्यादा राउंड लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बार टर्न करना पड़ेगा कंपेयर टू इसके। ठीक है, तो ये व्हील, ये वाला व्हील यहाँ तक पहुँचने में इतनी दूरी तय करेगी, लेकिन ये वाला व्हील इतना। ठीक है, तो इस वाले व्हील को ज़्यादा टर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या हमें किस की ज़रूरत पड़ती है ट्रैक्टर में? डिफरेंशियल की। ठीक है, द इनर व्हील हैज टू ट्रेवल लेस देन द आउटर व्हील। ठीक है, ये इनर व्हील हो गया, इसे कम यात्रा करना पड़ रहा है कंपेयर टू आउटर व्हील के। ठीक है, तो डिफरेंशियल क्या होता है? जब हम ट्रैक्टर को टर्न करते हैं तो उस समय डिफरेंशियल की मदद से ही हमारा एक व्हील जो है कि कम रोटेट करता है, मतलब कि कम यात्रा तय करता है, कम दूरी तय करती है, वो धीमी चलती है, और दूसरा जो व्हील होता है वो तेज चलता है। ठीक है, जिसके ही सहायता से हम ट्रैक्टर को टर्न कर पाते हैं, ठीक है, घुमा पाते हैं। द डिफरेंशियल यूनिट कंसिस्ट ऑफ, डिफरेंशियल यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें लगी रहती हैं, क्या क्या होता है? डिफरेंशियल केसिंग होता है, डिफरेंशियल पिनियन होता है, क्राउन व्हील एक रहता है, हाफ शाफ्ट रहता है और बेवल गियर्स रहता है। पिछले क्लास में हम लोग बेवल गियर्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है, कि बेवल गियर्स कैसा होता है। ठीक है, तो ये है हमारा डिफरेंशियल का एक, डिफरेंशियल यूनिट का एक इमेज है। ठीक है, इसे एग्जाम में कभी नहीं बनाना है। ठीक है, ये आप लोग बस समझाने के लिए हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपलर शाफ्ट हो गया, ठीक है, इनर शाफ्ट हो गया, क्राउन व्हील जो ये पीला पीला दिख रहा है ये है क्राउन व्हील। ठीक है, जो ये हमारा गियर्स है इसे कौन सा गियर बोलते हैं? पिनियन गियर्स। ठीक है, स्मॉल गियर्स, ठीक है, रोटेटिंग केस है, लार्ज गियर, ठीक है, ये जो हरे हरे से हैं ये स्मॉल गियर्स हैं। ठीक है, और जो ये नीले नीले से हैं ये बड़े वाले गियर्स हैं, ठीक है, लार्ज गियर्स। हमें एग्जाम में क्या बनाना है? ये वाला डायग्राम। ठीक है, अगर डिफरेंशियल आ गया एग्जाम में तो आप सभी लोग ये वाला डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में। ठीक है, जिसमें क्या है, ये क्राउन व्हील है हमारा। ठीक है, ये क्या है, ड्राइविंग बेवल गियर है, बेवल पिनियन है। ठीक है, ये क्या है, हाफ शाफ्ट, दोनों तरफ लगे रहते हैं। ठीक है, ये हाफ शाफ्ट एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, ये क्या है, बेवल गियर है। ठीक है, ये क्या है, पूरा डिफरेंशियल है, ये क्या है, इसका केसिंग है। ठीक है, इसी में पूरा क्या है, ये डिफरेंशियल यूनिट सेट है। द डिफरेंशियल केसिंग इज रिजली अटैच्ड विद द क्राउन व्हील। ठीक है, जो डिफरेंशियल का केसिंग है
जो ये सारी चीज है वो क्राउन विल से जुड़ी रहती है, ठीक है। रिजली अटैक मीन्स जुड़ी रहती है, ठीक है, एंड मूव लाइक वन यूनिट, और एक यूनिट की तरह घूमती है। टू पिनियन आर प्रोवाइड इनसाइड द डिफरेंशियल, टू पिनियंस डिफरेंशियल के अंदर लगे रहते हैं, सच दैट दे आर कैरीड राउंड बाय द क्राउन विल, बट दे आर फ्री टू रोटेट आल्सो ऑन दियर शाफ्ट। ऐसा लगता है कि जो दो पिनियन लगे रहते हैं, ऐसा लगता है ना कि वो क्राउन व्हील के माध्यम से घूम रहे हैं, लेकिन वो अपने शाफ्ट पे ही घूमते हैं, ठीक है। देयर आर टू बेवल गियर्स इन मेस विद डिफरेंशियल पिनियन, ठीक है। जो डिफरेंशियल यूनिट में क्या लगे रहते हैं, दो बेवल गियर्स लगे रहते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल पिनियन के साथ। वन बेवल पिनियन इज एट द एंड ऑफ ईच शाफ्ट, ठीक है। दो जो दोनों हमारे जो हाफ शाफ्ट हैं, यहाँ पर देखिए जो दोनों हाफ शाफ्ट हैं, ये और ये, इस पर क्या लगा रहता है, बेवल पिनियन, ठीक है, विच गोज टू द ट्रैक्टर रियर व्हील, जो कि ट्रैक्टर के पिछले पहिए से जुड़े रहते हैं। कौन से, ये वाले दोनों, ये इधर एक पहिए से जुड़ जाएगा और ये इधर एक पहिए से जुड़ जाएगा, ठीक है। दस इन स्टेट ऑफ क्राउन व्हील बींग किएड डायरेक्टली टू अ सॉलिड शाफ्ट बिटवीन द ट्रैक्टर व्हील, द ड्राइव इज टेकन बैक फ्रॉम द इनडायरेक्ट रूट थ्रू डिफरेंशियल केसिंग, डिफरेंशियल पिनियन एंड हाफ शाफ्ट ऑफ द ट्रैक्टर, ठीक है। दस इन स्टेट ऑफ क्राउन व्हील बींग किएड डायरेक्टली टू द सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। जो क्राउन व्हील रहता है वो एक डायरेक्टली शाफ्ट के साथ जुड़ा रहता है, किसके किसके बीच में, बिटवीन द ट्रैक्टर व्हील, ठीक है, ट्रैक्टर व्हील, बिटवीन द ट्रैक्टर व्हील द ड्राइव इज टेकन बैक फ्रॉम द इनडायरेक्ट रूट, और जो हमारा डिफरेंशियल से पावर निकलता है वो इनडायरेक्टली डिफरेंशियल केसिंग से होते हुए, डिफरेंशियल पिनियन से होते हुए हाफ शाफ्ट के थ्रू ट्रैक्टर के रियल व्हील में पहुंचता है। व्हेन द ट्रैक्टर इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जब ट्रैक्टर क्या, जब सीधा चलता है, ठीक है, जब हमारा ट्रैक्टर सीधा चल रहा है, द डिफरेंशियल पिनियन डू नॉट रोटेट ऑन द शाफ्ट बट आर सॉलिड विद द डिफरेंशियल केसिंग, उस कंडीशन क्या होता है, जो हमारे डिफरेंशियल पिनियन है वो, जो हमारे डिफरेंशियल पिनियन है वो रोटेट नहीं करते हैं, लेकिन वो शाफ्ट में लगे रहते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। दे ड्राइव द टू बेवल गियर्स, क्या करते हैं, वो बेवल गियर्स को ड्राइव करते हैं एट द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर हमारा ट्रैक्टर सीधा जा रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, हम डिफरेंशियल लॉक लगा देते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, दोनों रियर व्हील को एक सेम स्पीड मिलेगा, ठीक है। डिफरेंशियल लॉक के हेल्प से ही हम क्या करते हैं कि अपने दोनों रियर व्हील को सेम स्पीड, सेम पावर प्रोवाइड, मतलब रियर व्हील को सेम स्पीड दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात आ गई ना डिफरेंशियल लॉक, तो डिफरेंशियल लॉक होता क्या है, डिफरेंशियल लॉक इज ए डिवाइस टू ज्वाइन बोथ हाफ एक्सल्स, डिफरेंशियल लॉक एक डिवाइस है जिसकी मदद से दोनों हाफ एक्सल्स को ज्वाइन करते हैं आप द ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर के दोनों हाफ एक्सल को ज्वाइन करते हैं, सो दैट इवन इफ वन व्हील इज अंडर लेस रेजिस्टेंस, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, जो ट्रैक्टर का दोनों हाफ एक्सल है उसे डिफरेंशियल लॉक की मदद से ज्वाइन कर दिए, ठीक है, अगर उस, मान लो ज्वाइन कर दिए, सो दैट, इसलिए अगर कभी एक व्हील को अगर कम टार्क मिल रहा, कम रेजिस्टेंस मिल रहा, वो व्हील जो है स्लिप करने, वो पहिया स्लिप करने लगा, ठीक है, द ट्रैक्टर कम्स आउट फ्रॉम द मड एक्सेट्रा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, डिफरेंशियल लॉक लगाएंगे, ठीक है। मान लो जो पहिया हमारा स्लिप कर रहा है तो उसकी वजह से हमारा ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो डिफरेंशियल लॉक हम लगा दिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा दूसरा वाला पहिया है, ठीक है, सपोज दैट ये दो ट्रैक्टर के पहिए हैं, ठीक है, ये वाला क्या कर रहा है, सॉरी
ये दो हमारे ट्रैक्टर के पहिए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अब ये स्लिप कर रहा है, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, हमारा ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ रहा है ना। ठीक है, ये दो पहिए हैं, ठीक है, एक पहिया जो है कि ट्रैक कीचड़ में हमारा मान लो फंस गया, ठीक है, अब ये स्लिप कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ट्रैक्टर क्या है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों जो हाफ एक्सल हैं इसे क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसे जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे अब ये दोनों हाफ एक्सल एक दूसरे से जुड़ गए। ठीक है, तो ये पहिया तो स्लिप कर रहा है, ठीक है, ये वाला पहिया जो है हमारा ट्रैक्टर का स्लिप कर रहा है ना, लेकिन ये वाला पहिया जब रोटेट करेगा तो इसके माध्यम से ट्रैक्टर हमारा आगे बढ़ेगा। तो ये स्लिप भी कर रहा है तो कोई बात नहीं है, इस वाले पहिए की सहायता से ट्रैक्टर आगे बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, अगर कहीं दलदल टाइप का है तो उस कंडीशन में ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए डिफरेंशियल लॉक का प्रयोग करते हैं, जिसकी मदद से दोनों पहियों को एक समान स्पीड मिलती है और हमारा ट्रैक्टर जो दलदल से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर जब हम डिफरेंशियल लॉक लगा दिए तो उस कंडीशन में ट्रैक्टर को हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में रखना है, ठीक है, कहने का मतलब कि एक सीधी डायरेक्शन में रखना है, टर्न नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, हमारा पूरा डिफरेंशियल यूनिट ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी डिफरेंशियल लॉक लगा के ट्रैक्टर को हम टर्न नहीं कर सकते, एज बोथ विल मूव विद द सेम स्पीड एंड अप्लाई इक्वल ट्रैक्शन। ठीक है, डिफरेंशियल लॉक की सहायता से ही दोनों व्हील जो हैं, दोनों पहिए ट्रैक्टर के हैं, रियल व्हील जो हैं पिछले पहिए ट्रैक्टर के, वो सेम स्पीड प्राप्त करते हैं और बराबर ट्रैक्शन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये है हमारा डिफरेंशियल लॉक। ठीक है, डिफरेंशियल लॉक एक फॉर्क के माध्यम से, ठीक है, इसे प्रेस किए, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, ये जाके दोनों एक्सल को यहाँ पे ऐसे जोड़ दे रहा है। ठीक है, ये जब इसे प्रेस किए तो ये हाफ एक्सल एक इधर है, एक हाफ एक्सल इधर है, इसे प्रेस किए तो ये दोनों एक्सल को ज्वाइंट कर दिया हाफ एक्सल को, तो क्या होगा कि ये दोनों एक्सल कांस्टेंट स्पीड में एक सेम स्पीड में चलने लगेंगे। ठीक है, फाइनल ड्राइव इज द लास्ट फेस ऑफ द पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, फाइनल ड्राइव क्या है, अंतिम फेस है पावर ट्रांसमिशन का। ठीक है, फाइनल ड्राइव इज अ गियर रिडक्शन यूनिट इन द पावर ट्रेन्स बिटवीन द डिफरेंशियल एंड ड्राइव व्हील। ठीक है, फाइनल ड्राइव में गियर का कहीं भी प्रयोग नहीं है। ठीक है, ये किसके किसके बीच होता है, डिफरेंशियल के बीच और ड्राइव व्हील, या तो यहाँ पे रियल व्हील भी कह सकते हैं। ठीक है, फाइनल ड्राइव ट्रांसमिट द पावर फाइनली, फाइनल ड्राइव क्या करता है, पावर ट्रांसमिट करता है लास्ट अंत में टू द रियल एक्सल एंड द व्हील फ्रॉम द डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल से पावर को एक्सल के थ्रू कहाँ ट्रांसफर करता है, व्हील में। ठीक है, डिफरेंशियल से एक्सल के थ्रू व्हील को पावर जब जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फाइनल ड्राइव। ठीक है, डिफरेंशियल से एक्सल से होते हुए, डिफरेंशियल से एक्सल से होते हुए व्हील को जब रोटेट करता है, जब व्हील को पावर जाती है तब उसे क्या बोला जाता है, फाइनल ड्राइव। ठीक है, फाइनल ड्राइव इस डायग्राम के माध्यम समझेंगे, ये है हमारा डिफरेंशियल सिस्टम। ठीक है, ये डिफरेंशियल सिस्टम है, ये क्या है, हमारा शाफ्ट है। ठीक है, ये हमारा व्हील पावर, ये येलो कलर की लाइन दिख रही है, ब्लू कलर की। ठीक है, पावर यहाँ से आया एक्सल से होते हुए कहाँ आ गया, रियल व्हील में। ठीक है, तो जब पावर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, पावर यहाँ से यहाँ आया तो ये क्या हो गया, फाइनल ड्राइव। ठीक है, अब क्या हमारा पीटीओ शाफ्ट, ट्रैक्टर में पीटीओ शाफ्ट देखे होंगे, सबसे पीछे लगा होता है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे थ्रेसर हो गया, ठीक है, रोटावेटर हो गया, तो ट्रैक्टर उस पीटीओ शाफ्ट के माध्यम से कई सारे इक्विपमेंट चलाए जाते हैं। द ट्रैक्टर्स स्टब शाफ्ट ऑफ्टन कॉल्ड पीटीओ पावर टेक ऑफ शाफ्ट। ठीक है, पावर टेक ऑफ शाफ्ट, पीटीओ शाफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, पावर टेक ऑफ
ठीक है, पावर टेक ऑफ पीटीओ, ठीक है, ट्रांसफर पावर फ्रॉम द ट्रैक्टर टू द पीटीओ ड्राइवेन मशीन आर इम्प्लीमेंट, ये क्या है, इंजन पावर को पीटीओ, जिससे कि हम इक्विपमेंट्स या तो मशीन चलाते हैं वहाँ पे ट्रांसफर करता है, ठीक है। द पीटीओ एंड ड्राइव, द पीटीओ एंड ड्राइव शाफ्ट रोटेट एट, जो हमारा पीटीओ या तो पीटीओ और ड्राइव शाफ्ट होता है वो कितने पे रोटेट करता है, 540 प्लस माइनस 10 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। 540 प्लस माइनस मतलब कि 530 भी हो सकता है, 550 आरपीएम भी हो सकता है, ठीक है, 530 आरपीएम या तो 550 आरपीएम, कोई ज़रूरी नहीं है कि 540 ही आरपीएम रहे, 545 भी हो सकता है, 500 करने का मतलब कि ये प्लस माइनस 10 में वैरी कर सकता है, ठीक है, या तो 10 कम हो सकता है, 10 के बीच में कोई भी नंबर हो, ठीक है। द पीटीओ एंड ड्राइव शाफ्ट रोटेट 540 प्लस माइनस 10 रेवोल्यूशन पर मिनट, जो कि 9 टाइम्स पर सेकेंड, ठीक है, और शाफ्ट डेट रोटेट एट 540 आरपीएम, ठीक है, हैज 6 स्प्लाइंस, ठीक है, उसमें 6 स्प्लाइंस बने होते हैं, ठीक है, स्प्लाइंस मतलब ये हमारा शाफ्ट हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, हमारा शाफ्ट हो गया, तो इसमें 6 स्प्लाइंस बने रहेंगे, 1 2 3 4 5 छः स्प्लाइंस ऐसे बने रहेंगे, ठीक है, पूरा ऐसे, कितना स्प्लाइंस बने रहेंगे, 6 स्प्लाइंस, ठीक है। द पीटीओ एंड ड्राइव शाफ्ट रोटेट एट 1000 प्लस माइनस 10 रेवोल्यूशन पर मिनट, जो पीटीओ 1000 या तो 10 प्लस माइनस 10, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट रोटेट होते हैं, जो कि 16.6 टाइम्स पर सेकेंड, मतलब 16.6 टाइम पर सेकेंड क्या करते हैं, टर्न होते हैं, ठीक है, रोटेट होते हैं। अ शाफ्ट दैट रोटेट 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट हैज 20 या 21 स्प्लाइंस, ठीक है, इसमें कितने स्प्लाइंस लगे रहते हैं, जैसे ये हमारा शाफ्ट है, इस पर कितने लगे रहेंगे, 20 या तो 21 स्प्लाइंस, ठीक है, ये हमारा शाफ्ट है, 1 2 3 4 5 ऐसे खांचे बने रहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या रहता है, इक्विपमेंट क्या रहता है, जो इक्विपमेंट का शाफ्ट रहता है वो इस पीटीओ शाफ्ट में आके ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है, वो इसमें 20 या 21 बने रहेंगे, जो 1000 आरपीएम पे चलेगा और जो 540 आरपीएम पे चलेगा उसमें 6 स्प्लाइंस लगे रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पीटीओ शाफ्ट, ठीक है, देखो इसमें 6 स्प्लाइंस है, ये खाचे 6 बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 21 स्प्लाइंस या 20 स्प्लाइंस होंगे इसमें, ठीक है, ये हमारा ट्रैक्टर का पीटीओ शाफ्ट ऐसा रहता है। अब आते हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम पे, तो सबसे पहले बात होती है कि हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम है क्या, इट इज अ मैकेनिज्म इन अ ट्रैक्टर टू राइज होल्ड आर लोअर द माउंटेड आर सेमी माउंटेड इक्विपमेंट बाई द हाइड्रोलिक मीन्स, ठीक है, एक हाइड्रोलिक मैकेनिक की सहायता से किसी भी इक्विपमेंट को, ठीक है, जो हमारा थ्री हिच सिस्टम रहता है ट्रैक्टर में, पीछे आप देखे होंगे जैसे कि रोटावेटर अटैच कर दिए, कल्टीवेटर अटैच कर दिए, तो उसको क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं या तो बीच में रोके रखते हैं या तो नीचे करते हैं, तो वो किसके साथे से होता है, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम से, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम का, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम इज बेस्ड ऑन पास्कल लॉ, जो हमारा हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम वो किसके बेस्ड पे काम करता है, पास्कल लॉ पे, ठीक है, पास्कल लॉ है क्या, दिस लॉ स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूड, ठीक है, ये तो ये पॉइंट, जब किसी भी इनक्लोज्ड फ्लूड पे क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, मतलब कि कोई एक इनक्लोज्ड फ्लूड है, मतलब कहीं भी फ्लूड है उस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग इट ट्रांसमिट इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन, ठीक है, कहने का मतलब कि ये सपोज डेट कि हमारा एक कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें क्या भरा है, लिक्विड, ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये एक प्रकार का ये सिलेंडर है, ठीक है, तो इसमें हम पिस्टन के माध्यम से, ठीक है, क्या कर रहे हैं,
प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा पिस्टन हो गया इतना सेक्शन, ठीक है। तो प्रेशर कैसे अप्लाई होगा, अब पिस्टन को किसी शाफ्ट से और किसी मशीन से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये इस शाफ्ट के माध्यम से क्या कर रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें प्रेशर अप्लाई कर रहा था, ये अभी कहीं ओपन नहीं है, ठीक है, ये चीज़ अभी कहीं ओपन नहीं है। तो इस कंडीशन क्या होगा, प्रेशर इस सिलेंडर में ही रहेगा। लेकिन सपोज डैट कि हम यहाँ पे, ठीक है, सपोज डैट हम यहाँ पे क्या किए, एक सप्लाई यहाँ पे दे दिए, ठीक है, और एक सप्लाई यहाँ पे दे दिए, ठीक है ना। इस सिलेंडर में हमने 3 सप्लाई दे दिया, तो जब इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में होगा ये कि ये जो प्रेशर इसमें बनेगा वो इस डायरेक्शन में भी सेम आएगा, इस डायरेक्शन में भी सेम आएगा और इस डायरेक्शन में भी सेम आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, पास्कल लॉ, कि जब हम किसी क्लोज जिसमें लिक्विड हो उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो इक्वली सारे डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है, चाहे हम एक सप्लाई इधर भी क्यों ना दिए हों। तो अगर जितना इधर प्रेशर आएगा उतना इधर भी आएगा, उतना इधर, इतना इधर, ठीक है। स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल एरिया कैन प्रोड्यूस हायर फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लार्जर एरिया, ठीक है। जो स्मॉल फोर्स रहेगा, मतलब जहाँ पे कम प्रेशर की ज़रूरत है, जहाँ पे कम फोर्स की ज़रूरत है उधर कम फोर्स जाएगा, और जहाँ पे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है उधर ज़्यादा फोर्स जाएगा। तो पास्कल लॉ क्या है कि जब हम किसी इनक्लोज्ड फ्लूड पे, जो हमारा एक बंद सिस्टम में लिक्विड भरा हुआ है, उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम इक्वली ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, बराबर जाता है, ठीक है, पास्कल लॉ, ठीक है। पास्कल लॉ है क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। अब हम लीवर के माध्यम से इसे दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे प्रेशर गया, ठीक है। अगर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गया, अगर हम इसे जहाँ सप्लाई देंगे जितना देंगे वो उतना जाएगा ही, मतलब कि सभी डायरेक्शन में सेम ट्रांसफर होगा, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, तो कहने का मतलब कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक सिलेंडर, पिस्टन, ठीक है, हाइड्रोलिक टैंक, कंट्रोल वाल्व, सेफ्टी वाल्व, हुज पाइप एंड फिटिंग पाइप, लिफ्टिंग आर्म्स, ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होते हैं, ठीक है। अब हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे वर्क करता है, द हाइड्रोलिक पंप्स ड्रा अप ऑयल फ्रॉम द ऑयल रिजर्वायर, ठीक है, जो उसमें हाइड्रोलिक पंप लगे होते हैं, क्या होता है, पंप के माध्यम से वो रिजर्वायर से, कहने का मतलब कि जहाँ पे ऑयल रहता है, जिस पैन में, जिस बर्तन में ऑयल है, जहाँ पे ऑयल है उसे हम क्या बोलेंगे, रिजर्वायर, ठीक है, वहाँ से ऑयल को हाइड्रोलिक पंप जो है क्या करता है, निकालता है एंड सेंड इट टू द कंट्रोल वाल्व, और इसे कहाँ भेजता है, कंट्रोल वाल्व को, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हमारा जो हाइड्रोलिक पंप है उससे, उसके माध्यम से रिजर्वायर से जो हमारा ऑयल है उसको उठा करके ज़्यादा प्रेशर में कंट्रोल वाल्व को भेजा गया, ठीक है। फ्रॉम द कंट्रोल वाल्व द ऑयल गोज टू द हाइड्रोलिक सिलेंडर, ठीक है, अब कंट्रोल वाल्व के माध्यम से ऑयल कहाँ जा रहा है, हाइड्रोलिक सिलेंडर में, ठीक है, टू ऑपरेट द पिस्टन, ठीक है, जिससे पिस्टन चल रहा है, विच इज टर्न राइज द लिफ्टिंग आर्म, जिससे कि जब हमारा पिस्टन ऑपरेट होने लगा तो सिलेंडर से प्रेशर जब बनेगा तो उसके माध्यम से क्या होगा, उस प्रेशर के माध्यम से हम अपने आर्म को, जो ट्रैक्टर के पीछे 3-hit सिस्टम रहता है, अपने आर्म को उठाते हैं, ठीक है, जिससे हमारा इक्विपमेंट ऊपर होता है या तो नीचे होता है या तो बीच में उसे रोक सकते हैं कहीं, ठीक है। द लिफ्टिंग आर्म आर अटैच विद द इम्प्लीमेंट, जो लिफ्टिंग आर्म रहते हैं ट्रैक्टर के नीचे जो 2 लगे रहते हैं, ठीक है, देखे होंगे जो नीचे 2 आर्म लगे रहते हैं, क्या होता है वो
इम्प्लीमेंट से, जो ट्रैक्टर में इम्प्लीमेंट जोड़ते हैं उससे जुड़ा रहता है, ठीक है। द हाइड्रोलिक पंप इज ऑपरेट बाई सुटेबल गियर, जो हमारा हाइड्रोलिक पंप होता है वो एक सुटेबल गियर से कनेक्ट रहता है, सुटेबल गियर के माध्यम से चलाया जाता है जो इंजन से चलता है, ठीक है। ये है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा आर्म है ट्रैक्टर का, ठीक है। तो हमारा जो इम्प्लीमेंट है इससे कनेक्ट रहेगा, सबसे पहले फिल्टर, ठीक है। ये हमारा फिल्टर है, यहाँ से मान लो कि फिल्टर हो कि ये पंप के माध्यम से कहाँ गया, वाल्व में अंडर द प्रेशर। अब ये कंट्रोल वाल्व से क्या है कि कहाँ जा रहा है, सिलेंडर में, ठीक है। जब पिस्टन जो है सिलेंडर पहुँच गया, जब पिस्टन प्रेशर दे रहा है तो ये क्या हुआ, हमारा आर्म लिफ्ट कर सकता है, डाउन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।